गोदारंग मन्नार ने भक्तों को दिए दर्शन। 53 फुट ऊंचे दिव्य चंदन रथ पर विराज भगवान खींचने को लगी हो। मथुरा के वृंदावन में 53 फुट ऊंचे दिव्य चंदन रथ पर विराज कर भगवान गोदारंग मन्नार ने भक्तों को दर्शन दिया। रथ खींचकर श्रद्धालुओं ने खुद को धन्य पाया। इस मौके पर देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन स्थित रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव पर बृहस्पतिवार को भगवान गोदारंग मन्नार ने दिव्य रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। भगवान गोदारंग मन्नार के दिव्य रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। रथ खींचकर श्रद्धालुओं ने खुद को धन्य पाया। इस मौके पर देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु उपस्थित रहे। बृहस्पतिवार की सुबह रंगनाथ मंदिर के पुरोहितों के निर्देशन में वैदिक रीति रिवाज और विधान पूर्वक दिव्य रथ का छात्र कलश पूजन किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य भगवान गोदारंग मन्नार को दिव्य रथ में विराजमान कराया गया। दिव्य रथ को खींचने के लिए असंख्य श्रद्धालु मंदिर के पश्चिम गेट पर एकत्रित हो गए। श्रद्धालुओं ने रस्से को पकड़कर रथ खींचना शुरू कर दिया। दिव्य रथ को खींचकर भक्तों ने अपने जीवन को धन्य पाया। दिव्य चंदन रथ में विराज कर गोदारंग मन्नार ने दिए दर्शन। भगवान गोदारंग मन्नार विशाल और दिव्य रथ यात्रा में शामिल होने एक दिन पहले ही देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँच गए। मंदिर प्रबंधन द्वारा मेले की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। ठाकुर गोदारंग मन्नार दिव्य अलौकिक छवि के अनुरूप उत्तर भारत में अपनी तहत इकलौते चंदन लकड़ी से निर्मित 53 फुट ऊंचे रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ठाकुर जी की सवारी खींचने का अक्षय पुण्य मिलता है। इस विशाल रथ की सफाई साज सज्जा के कार्य को अंतिम रूप दिया गया। मंदिर की CEO अनघा श्रीनिवासन ने बताया कि इस दिव्य रथ की खासियत यह है कि विशाल रथ किसी यंत्र से नहीं बल्कि हजारों भक्तों द्वारा रस्सों से खींचा जाता है। मान्यता है कि ठाकुर जी की सवारी को खींचने का अक्षय पुण्य लाभ होता है। 40 दिवसीय होली महोत्सव का समापन इससे पहले बुधवार को रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान गोदारंग मन्नार ने भक्तों के साथ होली खेली। होली के इस आयोजन से संपूर्ण वातावरण होलीमय हो गया। भक्तों में ठाकुर जी के प्रसाद रूपी रंग और गुलाल को लेने की होड़ रही। इसी के साथ वृंदावन में चल रहे 40 दिवसीय होली महोत्सव का समापन हो गया।